नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बीपीएससी ने 29 नवंबर को दरोगा परीक्षा का किया ऐलान। बिहार चुनाव के परिणाम की घोषणा 10 नवंबर को आ जाएगी। उसी दिन फैसला हो जाएगा कि बिहार में अब 5 साल के लिए कौन राज करने वाला है। इस फैसले के साथ ही दरोगा बहाली की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा परीक्षा की डेट को जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 29 नवंबर को दरोगा की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। दरोगा के 2446 पदों के मुख्य लिखित परीक्षा 29 नवंबर को होगी। बीपीएससी में बताया गया कि सोशल मीडिया पर दरोगा बहाली परीक्षा की तारीख को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बताया गया है कि परीक्षा में बदलाव की बात बिल्कुल गलत है। जानकारी दी गई है कि परीक्षा की डेट अभी बढ़ाई नहीं गई है और ना ही बढ़ने की कोई उम्मीद है। इतना ही नहीं, सहायक अवर निरीक्षक 133 पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता 27 सितंबर को 2 पालियों में ली जाएगी। पटना में 18 किलोग्राम सोना हुआ बरामद। सोना कारोबारी के पास से पुलिस ने 18 किलो से अधिक सोना बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार बरामद किए गए सोने की कीमत लगभग 8 करोड़ बताई जा रही है। बिहार में वाहन चेकिंग मुहिम के दौरान बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिली जानकारी के अनुसार सोना कारोबारी ट्रेन से उतर कर जा रहा था, इसी दौरान ही जीआरपी ने 1 नंबर प्लेटफॉर्म की गेट पर सोना कारोबारी को रोका। कारोबारी के पास से 18 किलो 390 ग्राम 680 मिलीग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही 2,33,230 नगद भी जब्त किए गए हैं। पहले चरण में 264 नामांकन पत्र किए गए रद्द। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए कुल मिलाकर 1,357 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। जांच के दौरान 264 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही नहीं पाए गए हैं, जिसके कारण इन सभी नामांकन पत्रों को रद्द कर दिया गया था। पहले चरण में सिर्फ 1,090 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध माने गए हैं। पहले चरण में प्रत्याशियों के नाम वापसी की अंतिम तारीख सोमवार को निर्धारित की गई है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन के दूसरे दिन सिर्फ 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से अब तक कई मामले भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय दलों और राज्य के मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर समय आवंटित कर दिया गया है। भागलपुर के हावड़ा तक के लिए प्राइवेट ट्रेन का परिचालन जल्द होगा शुरू। भागलपुर हावड़ा को उन 12 क्लस्टर में शामिल किया गया है जो कि 140 रूट पर चलने वाली है। पीपीपी मोड पर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन चलने की कवायद तेज हो गई है। प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन में 15 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। 15 कंपनियों में 120 आवेदन मिले हैं। इनमें रेल मंत्रालय की कंपनी, इंडियन रेलवे, केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन, लार्सन एंड टर्बो, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की कंपनी और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जीएमआर और अन्य कंपनियों के नाम शामिल है। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई को देश में प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन की अनुमति देने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रेलवे की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के लिए आवेदन मांगे गए थे। रेलवे की तरफ से अपनाई जा रही निविदा की प्रक्रिया में सफल कंपनी को प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। भागलपुर से हावड़ा की दूरी 425 किलोमीटर है जो कि अब 7.35 घंटे के सफर में पूरा हो जाएगी। वहीं अब इस ट्रेन के किराए से संबंधित सभी जानकारी निविदा के बाद दी जाएगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। सारा भाई वर्सेज सारा भाई के रोशेस और घर घर में पहचान बनाने वाले राजेश कुमार का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज ही के दिन 1975 को हुआ था। राजेश कुमार ने बतौर अभिनेता अब तक कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। राजेश कुमार को स्टार प्लस पर आने वाले मशहूर सीरियल बा बहू और बेबी में भी निभाए गए किरदार के लिए खूब सराहना मिली थी। राजेश कुमार ने अपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर बिहार आकर खेती का काम अब हालांकि शुरू कर दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने जारी की प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव 2020 के पहले सीएम पद के उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। दूसरे चरण के तहत 90 क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए प्लूरल्स पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जारी किए गए सूची में 13 महिलाएं और पुरुष उम्मीदवार को पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि प्लूरल्स पार्टी कमेटी की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के 94 क्षेत्र के लिए 26 उम्मीदवार की सूची जारी कर दी गई है। बाकी बाद में की जाए। ये सभी घोषित प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं। इससे पहले प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने उनकी पार्टी का पहले चरण के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही निराशा जताई थी, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्लूरल्स पार्टी के 61 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन अवैध घोषित कर दिए गए थे। वहीं उनकी पार्टी के 33 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। 14 अक्टूबर को मैदान में उतरेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मैदान में उतरने वाले हैं। पहले चरण के मतदान की तारीख भी अब नजदीक आती गई है। ऐसे में सभी दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कोविड-19 की वजह से बिहार में इस बार पहले की तरह बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं करवाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के कोविड-19 गाइडलाइन में किए गए बदलाव के बाद चुनावी रैलियों का आयोजन किया जा सकता है। चुनावी सभा की इजाजत मिलने के बाद आज से भाजपा चुनावी सभा के आगाज के साथ ही जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी अब मैदान में उतरने वाले हैं। मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब चुनाव की कमान थामते हुए चुनावी सभा के लिए निकलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 और 13 अक्टूबर को वर्चुअल सभाओं का संबोधन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके बाद सियासी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने भी इस बार बिहार में 30 स्टार प्रचारकों के जरिए सूबे की जनता को अपने साथ करने की कोशिश करने की पहल की है, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और राजद पूरे दमखम के साथ उतरना चाह रही है। इस बार प्रियंका गांधी ने भी बिहार चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने चुनाव आयोग को भेज दी है और इसमें प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। लिहाजा प्रियंका गांधी जल्द ही तेजस्वी यादव का साथ देंगी और महागठबंधन में उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगी। इसके साथ ही सूची में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और कई अन्य नेताओं के नाम भी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची हुई तैयार। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा कोटे की 46 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। शनिवार की देर शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई इस बैठक में सभी सीटों के उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार किया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता भी शामिल रहे। दूसरे चरण में भाजपा की महत्वपूर्ण सीटें मानी जा रही है, इसमें राजधानी की भी कई सीटें शामिल है। माना जा रहा है कि राजधानी को रविवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में सूची जारी कर दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ रविवार से पार्टी की चुनावी जनसभाएं भी शुरू करवा दी गई हैं। श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड ने शेयर की बेटी के साथ तस्वीर। श्वेता तिवारी की बेटी हमेशा से अपने ग्लैमरस तस्वीरों के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। हाल ही में पलक ने अपना 20वां जन्मदिन भी मनाया है। इस मौके पर श्वेता तिवारी ने अपना उन्हें लकी चार्म बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। पलक के जन्मदिन पर उनके पिता और राजा चौधरी ने भी बेटी को याद करते हुए उनकी एक तस्वीर शेयर की। राजा चौधरी ने पलक के जन्मदिन पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बेटी के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें छोटी सी पलक पिता के साथ ट्रेडिशनल सूट में स्माइल करती दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए राजा ने कैप्शन में लिखा, टाइम जस्ट फ्लाई। श्वेता ने आपको बता दे, शादी के 9 साल बाद दोनों ने साल 2007 से अलग होने का फैसला लिया था, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2012 को दोनों ने तलाक ले लिया था। आईपीएल के डबल हेडर मैच में आज पहले सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, वहीं दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का होगा मुकाबला। आईपीएल मैच के डबल हेडर का आज दिन है, आज दो मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में सनराइजर की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी, जबकि शाम को मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम होगी। लगातार हार से परेशान राजस्थान रॉयल्स को इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले में स्टोक्स की टीम से वापसी में वो जीत की राह पर लौटेंगे। दूसरी तरफ सनराइजर ने लगातार पराजय के बाद सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और स्पिनर राशिद खान के उम्दा पारियों से किंग्स इलेवन पंजाब को 3 विकेट से हराया है और सनराइजर के लिए पंजाब के खिलाफ 55 गेंद में 97 रन बनाए थे। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 70 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 74,383 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 918 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,08,334 लोगों की जान जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 89,154 लोगों की कोविड-19 को मात देकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। वहीं बात करें भारत में रिकवरी दर की, तो यह दर 86.2% पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर 8.5 करोड़ सैंपल की जांच भी अब तक की जा चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार विधानसभा चुनाव में किस युवा नेता को मौका देना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।